हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ पे कैब्स अवेलेबल नहीं है तो हमको कम से कम 15 मिनट शायद चल के जाना पड़ेगा टू द वेन्यू, 20 मिनट शायद। एंड बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, इट्स क्वाइट, इट्स पीसफुल, इट्स नाइस। बाहर मेन रोड पे आवाज़ आ रही है लेकिन अंदर गली में इट्स वेरी ब्यूटिफुल। लेट मी शो यू, यहाँ पे जो सारे घर हैं वो इतनी सुंदर तरह से डेकोरेट किए हैं, ये देखिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, 2-3 सालों के बाद मैं अपनी बहन के साथ इस बार सेलिब्रेट कर रही हूँ न्यू ईयर्स। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। गोवा में होके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन हम लोग अपने मास्क पहन रहे हैं, हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि हम लोग सेफ रहें विद द न्यू वेरियंट एंड द राइजिंग केसेस। सो जस्ट फिंगर क्रॉस्ड एंड होप टू हैव अ वंडरफुल टाइम, हैप्पी न्यू ईयर। तो 31st मनाने हम यहाँ आए हैं। दिस इज़ कॉल्ड कालामारी बाथ एंड बेंच। ये एक शैक है, यहाँ पे है तो वाइट पार्टी लेकिन प्लान्ड नहीं था, इसके लिए हमारे पास वाइट कपड़े हैं नहीं है, ये हमारे टैग्स लग चुके हैं। और कालामारी वैसे भी हमारी फेवरेट जगह है इवन फॉर डे। ये बिल्कुल बीच के पास है, समंदर सामने ही है, अच्छी स्पेशियस जगह है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे, सो वी फेल्ट वेरी सेफ। बहुत मज़ा आया। ये पीछे की तरफ है बीच, यहाँ पे सामने समंदर है जो भी अंधेरे में दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे लाइन से बहुत सारे शैक्स है, बहुत सारी पार्टियाँ चल रही हैं और हर कोई रात को 12 बजे पटाखे जलाएगा, एरियल क्रैकर्स इतने सारे बर्स्ट होंगे, इतना सुंदर लगेगा, पूरा आसमान चमक उठेगा। धमाकेदार शुरुआत। तो हम लोग 1 तारीख को शाम को निकले शैक हॉपिंग। शैक हॉपिंग मतलब आप एक शैक पे जाओ, बैठो थोड़ी देर, मस्ती करो, खाओ पियो, उसके बाद आप किसी और शैक में जाके बैठो और व्यू यही रहता है आपका सामने, खुला समंदर, खुला आसमान। ये सबसे पहले हम इस शैक में गए, यहाँ पे बाहर टेबल्स लगाए हुए हैं और ये बीच में ऐसे छोटी सी कैंडल रखते हैं जैसे ही सनसेट हो जाता है, एंड बहुत ही खूबसूरत लगता है, कामिंग लगता है। उसके बाद हम पाम्स एंड सैंड्स इस शैक में गए, ये शैक भी बहुत अच्छा था, यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। यहाँ पे सिटिंग थोड़ी नीचे भी है और ऐसे ऊपर चल के भी ऊपर रेस्टोरेंट है पूरा, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, ओनर भी बहुत अच्छी है यहाँ की। और आज लास्ट डे है मेरा गोवा में और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं आज रात की लेट नाइट की फ़्लाइट से निकल रही हूँ वापस मुंबई के लिए और मैं कल सुबह ज्वाइन करूँगी सिर्फ तुम की शूट। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे इतने दिन मिल गए, एक अच्छा सा वेकेशन मिल गया बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इतनी अच्छी, इतनी खुश हुई है मेरी कि आई एम सुपर एक्साइटेड। तो बस अभी हम चलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। मेरे जीजू जो हैं वो मेरी बहन को बाइक पे आगे ले गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए और मैं थोड़ा पैदल चल रही हूँ, और जैसे ही वो आ जाएंगे हमको रास्ते में मिलेंगे, हम उनके साथ बाइक पे फिर आगे चलेंगे। गोवा में आए और बाइक पे ना बैठे ये तो हो ही नहीं सकता। ये है हमारी शानदार सवारी, जानदार सवारी, मिस्टर वैलरॉय मिरांडा बहुत ही मज़े से हमको लेकर जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे जहाँ पे ब्रेकफास्ट करना हमको बहुत अच्छा लगता है। ये जो जगह है वो ब्रंच के लिए बहुत फेमस है,
ये बीच पे नहीं है, ये अंदर है रोड साइड पे। सुबह बहुत धूप होती है, ब्रंच टाइम मतलब 11 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है, इसलिए हम ये जगह प्रेफर करते हैं। वेलकम टू आवर फेवरेट प्लेस कैफे चॉकोलाटी, जो भी कहते हैं इसे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा खाना है, और अंदर जाएं तो हर जगह ग्रीनरी है, इन्होंने बहुत अच्छे शेड्स बनाए हुए हैं, तो गर्मी में भी आपको एक कूल फीलिंग आती है, यहाँ पे अच्छा ठंडा माहौल होता है। ये देखिए इतना सुंदर सजाया हुआ है, इसकी सीटिंग अरेंजमेंट्स भी इतनी अच्छे से रखी हुई है, और ये यहाँ पे इनका एक है टेक अवे काउंटर। ये जगह डेजर्ट्स के लिए बहुत फेमस है, और अभी बस क्रिसमस गया तो ये देखिए उनके सारे डेजर्ट्स, इतने सारे केक्स, मफिन्स, चॉकलेट्स, सब कुछ है यहाँ पे। और ये आ गया मेरा सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट, सॉसेजेस, पैनकेक्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, बेकन, जूस, म्यूसली, कॉफ़ी। सो फ्लाइंग डॉल्फिन आज मेरा ये लास्ट शैक है गोवा का, और यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। कालामारी जो है स्पेशली यहाँ की स्पेशलिटी है, जो बहुत ही अच्छी बैटर फ्राइड मिलती है। एंड बस अभी ये ख़त्म करके मैं टैक्सी में बैठूंगी, एयरपोर्ट जाऊंगी, रात की मेरी फ़्लाइट है, घर पहुंचते पहुंचते मुझे 2:30 बज जाएंगे शायद, लेकिन इट्स वर्थ इट। पीछे समंदर है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अभी जो सनसेट हुआ है इट्स लुकिंग अमेजिंग, लुक एट द कलर्स। मैं जो है घंटों तक बैठी रह सकती हूँ समंदर में, घंटों तक। और अब मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट, और यहाँ पे मेरी गोवा की ट्रिप ख़त्म हो रही है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप सबके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है, इस बार सैटरडे को भी मैं एक मिनी व्लॉग पोस्ट करने वाली हूँ, तो कल वापस एपिसोड चेक करना मत भूलिएगा। को 3:15 बजे मैं निकली थी एयरपोर्ट के लिए, और आज 2 तारीख मतलब 3 तारीख की सुबह है, और अभी 3:45 हुए हैं और मैं घर पे पहुंची हूँ। एंड आई हैड जस्ट अमेजिंग 4 डेज, 30th, 31st, 1st, 2nd, और बस आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं जल्दी से ये एडिट करूँ और आपको ये दिखाऊं, एंड आई एम सो हैप्पी। एंड अगर आपको मेरा ये गोवा का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब खुद ने ना किया हो तो कर लीजिए, हैप्पी न्यू ईयर है भाई, सबको हैप्पी कीजिए।